100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170, 9560464170। उत्तराखंड के रुद्रपुर में लॉकडाउन के दौरान भी लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। ऐसे में रुद्रपुर की पुलिस भी घरों से बाहर निकलने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई करने को तैयार है। पुलिस रुद्रपुर इंदिरा चौक पर चेकिंग अभियान चलाया गया ताकि जो लोग बिना पास वाली गाड़ियों से लॉकडाउन के नियमों को तोड़ते हुए घूम रहे हैं उन पर कार्रवाई की जा सके। रुद्रपुर के कोतवाल कैलाश चंद्र भट्ट ने कहा कि अगर कोई भी 10 बजे के बाद घर से बाहर निकलेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, मैं आज रुद्रपुर के इंदिरा चौक पर हूँ और देश में पूर्ण रूप से लॉकडाउन है और पुलिस प्रशासन काफ़ी व्यवस्थित तरीके से लॉकडाउन को संभाल रहा है। इसी क्रम में मेरे साथ रुद्रपुर से इंस्पेक्टर साहब कैलाश चंद्र भट्ट जी मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि लॉकडाउन को लेकर क्या कार्रवाई की जाएगी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव 24 में। धन्यवाद सर। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि लॉकडाउन की समय सीमा क्या है और उसके बाद क्या कार्रवाई। लॉकडाउन में अमूमन हम सुबह 7 बजे से और दिन के 11 बजे तक लोग अपना सामान खरीदते हैं, लेकिन पब्लिक काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स कर रही है और जो दुकानदार हैं या मेडिकल स्टोर वाले हैं वो भी जो डिस्टेंस मेंटेन करने वाली बात है उसको मेंटेन करवा रहे हैं। शुरू में कुछ दिन परेशानियां आए लेकिन अब सभी लोग सजग हैं, सभी लोग इस कोरोना नाम की बीमारी को जानते हैं कि ये बहुत भयानक है। फिर भी जो कुछ लोग इसका तोड़ रहे हैं, नियमों को तोड़ रहे हैं, उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है और हमारे सभी उच्च अधिकारी डे नाइट भ्रमण कर रहे हैं। पुलिस भी बहुत सजगता है, पुलिस से भी अगर कहीं गलती हो रही तो उनको भी सजा दी जा रही है। हमारे यहाँ काफ़ी अभियोग पंजीकृत किए गए हैं, चाहे वो रात्रि में गाड़ी लेकर घूमने वालों के विरुद्ध हो या जो दुकान अनावश्यक रूप से समय के बाद खुली हो या ऐसे लोग जो डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर रहे हों या जो भय का वातावरण बना रहे हों, सोशल मीडिया में दुष्प्रचार कर रहे हों, इन सभी तरह के मुकदमे हमारे यहाँ पंजीकृत हो रहे हैं। लगातार मुकदमे पंजीकृत किए जा रहे हैं और जनता से मैं यही अपील करूँगा, आप ये जो कोरोना नाम की बीमारी है ये घर में रह के ही इस पर रोक लगाई जा सकती है। आप घरों से नहीं निकलेंगे, आप एक दूसरे से नहीं मिलेंगे तो इसका वायरस तभी खत्म हो सकता है। अगर आप सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं करेंगे तो इस बीमारी को ख़त्म करना बहुत टफ हो जाएगा। सर, फिलहाल अभी देखा गया है कि यहाँ पर छतरियाँ लगाई गई, तो उसका क्या होती है? गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, जो ड्यूटीरत कर्मचारी हैं उनके लिए स्पेशली मेरे दिमाग में आया है कि कुछ छतरियाँ लगाई जाएँ, तो हर चौक पे करीबन 4-4, 5-5 छतरियाँ लगाई जा रही हैं जिससे कि सुदृढ़ता से ड्यूटी हो और जो ड्यूटीरत कर्मचारी है वो कहीं छाँव पर ना चले जाए। अगर वो छाँव पर जाता है, कोई निकल जाती है कोई गाड़ियाँ, तो हमारा जो क्रम है वो टूट जाएगा। हमारा मुख्य रूप से हम सभी लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि आप जो बाहर से लोग पहले तो आना नहीं चाहें, जो आए तो उसको बिल्कुल क्वारंटाइन में रखें, उसके बिल्कुल संपर्क में ना, जब तक 14 दिन तक ये पता ना चल जाए कि उसको कोरोना नहीं है, उससे संपर्क में ना आए। और उस जो बाहर से आता है उसको भी ये इस रूप से रहना चाहिए कि उसके कारण अपना जो रुद्रपुर है उसमें ये महामारी ना आ जाए। सर, अभी तक कितनी गाड़ियां सीज की गई हैं और क्या कार्रवाई हो रही है? सीज गाड़ियां कर रहे हैं, चालान कर रहे हैं, आपने क्या कार्रवाई? अभी तक तो शुरू में तो हमने काफ़ी गाड़ियां सीज करी हैं, लेकिन धीरे धीरे गाड़ियां सीज करने के साथ साथ जो गाड़ी मालिक है उसके विरुद्ध मुकदमे भी पंजीकृत हुए हैं और आगे भी मुकदमे पंजीकृत कराए जाएंगे। विशेष रूप से 4-व्हीलर को आना नहीं चाहिए। एक सामाजिक रूप से कोई आदमी खिड़की से देख रहा, अगर वो देखेगा कि कुछ लोग गाड़ियों से 4-व्हीलर से जा रहे हैं तो उसके मन में भी एक विचार आएगा कि रोड चल रहा है, तो इस पर भी पूर्णतः रोक होनी चाहिए। और हम कर रहे हैं बिल्कुल वही गाड़ियां जा रही हैं जिसपे कि उच्च अधिकारियों के पास मिले हैं, जो कहीं ना कहीं सामाजिक रूप से जो जनता के बीच रह कर के जनता की सेवा कर रहे हैं, चाहे खाना दे रहे हैं या मेडिकल सुविधाएँ दे रहे हैं, और इस तरह के लोगों को ट्रक्स को जो गुड्स ला रहे हैं, राशन हो या कोई और अन्य सामग्री हो, उनको पूर्ण रूप से खुला कर रखा गया है और उनकी हम बृहद जांच कर रहे हैं कि उसमें कहीं ना कहीं से कोई पैसेंजर बैठ के ना आए। सर, अभी कितने दिन देखा गया था कि गाड़ियों को पार कर रहे हैं तो लेट नहीं, इस रूप में भी अभी हमारे जो सीनियर अधिकारी हमारे SSP साहब है इस संबंध में ये भी कर रहे हैं कि कॉमर्शियल वाहन ज़्यादा से ज़्यादा रहें और जो प्राइवेट वाहन हैं उनको जीरो कर दिया जाए, धीरे धीरे इनको जीरो कर दिया जाए जिससे कि इसमें किसी प्रकार की ये ना आ जाए कि कोई लोग मिसयूज ना कर दे पास। तो अब कॉमर्शियल वाहनों के
पास के लिए रिक्वेस्ट की।